आपका होली में पवन भैया के साथ एक गाना आया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिलहाल दिल्ली में एक शूटिंग लोकेशन पर, देख सकते हैं शूटिंग लोकेशन है, बहुत ही शानदार जगह भैया। और यहाँ पे शूटिंग किनका हो रहा है? पावर स्टार पवन सिंह की हीरोइन डिम्पल सिंह जी का। जी हाँ, आपने तो हरी हरी ओढ़नी सुना ही होगा पावर स्टार पवन सिंह जी का, वही गाना में डिम्पल सिंह जी हैं, तो उनको कौन नहीं जानता भैया। आज उनसे मिलवाएंगे। और भैया किनका गाना शूटिंग हो रहा है, कंपनी किनका है? सूर्या प्रोडक्शन हाउस, जो आर्यन भैया का कंपनी है, उनका ही चैनल से गाना आएगी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये रहा भैया शूटिंग लोकेशन, काफी शानदार यहाँ पे लोकेशन है भैया। बैकग्राउंड जब गाना जब तैयार होगा ना, तो इसका बैकग्राउंड अलग ही लेवल का निखार आएगा, देख सकते हैं काफी अच्छा शानदार है। तो चलिए अभी हम लोग सब सारे लोग से मिलते हैं। किस करो ऐसे फ्लाइंग केस, इनको भी जलवा देते ना। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड, और याद करिए यहाँ पे पवन सिंह पावर स्टार का एक गाना सुन हुआ था होली में, रंग ठोपे ठोपे। आप लोग बैकग्राउंड मिला सकते हैं, मैं आपको फोटो एक दिखा दे रहा हूँ। यही है रोहित भैया, इन्हीं का शूटिंग हो रहा है अभी गाना दिल्ली में डिम्पल सिंह जी के साथ। आप पहले भी और गाना में काम किए हैं? हाँ, मैंने पहले भी किया है, परमिला घोष जी के साथ किया है। और परमिला घोष वही जो पवन सिंह के साथ काम किए थे? जी जी, है ना जी, सट्टा के पैसा में ना जी। अच्छा, एक्टिंग ही सिर्फ करते हैं कि सिंगिंग भी करते हैं, गाते उते भी? नहीं, हमारा बचपन से एक मेन मोटिव रहा कि हम एक्टिंग करें, क्योंकि सिंगर का तो भंडार है भोजपुरी में। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले बिहार के हैं, कैमूर भभुआ जिला है। अच्छा, शादी उदी हो गया कि नहीं हुआ अभी? अरे भैया अभी आप लोग की दुआ करिए, हमारे मम्मी पापा तक ये बात पहुंचाइए, शादी कर दीजिए। भैया देखिए देखिए, एकदम क्यूट हैंडसम है भैया, और बड़े बड़े हीरो हीरोइन के साथ रहते हैं, हीरोइनों के साथ गाना शूट करते हैं, और इनका गर्लफ्रेंड नहीं है भैया? गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? अरे भैया ये सब सवाल मत पूछिए। अगर कोई लड़की भैया देख रहे हैं तो इन पे लाइन मारिए, गर्लफ्रेंड की जरूरत है जैसा कि लग रहा है इनसे मिल करके। और शादी भी अभी नहीं हुआ, तो कुछ दिन तक सेटल हो सकते हैं, और बढ़िया से सेटल हो गए तो लाइफ लाइन भी चल सकता है। अच्छा, इंस्टाग्राम आईडी बताइए, तब तो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राजपूत रोहित 999। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी शूटिंग लोकेशन पर मिले हैं महिमा सिंह जी, और देखिए इनका अभी मेकअप चल रहा है, ठीक ना? दिल्ली में अभी हम लोग हैं, और दिल्ली में ये भी मिल चुके हैं। अब बैक, कैसे हैं जी महिमा जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। मेकअप करवा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं भैया आप। आप बताइए भैया, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, कितने काली लड़की को गौर किया मेकअप लगा के? देखिए वो क्या होता है ना दादा, कि सिचुएशन के साथ आपका करेक्टर क्या है, करेक्टर के हिसाब से हम लोग करेक्टर डिफाइन करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए पुष्पा पिक्चर देख ले हो कम, हाँ, तो अगर हमें गोरो आदमी का करिया बना वाला डसी लुक दिया गया है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब काली को ही गोरा बनाया जाता है। अच्छा, आपका शादी हुआ है? आपका शादी हुआ है? देखिए ये सब मत बोलिए, हमारे सब गर्लफ्रेंड है, सब कहेंगे ओरिजिनल बता दें। हाँ, अरे यार का कहें, हो मैडम जी बता दे, असल बता दो, हो गया है भाई साहब, हो गया है। तो बच्चे कितने हैं? मैंने ये सब कही था कि जो ना कोनो मारे कुल। अच्छा, आपका शादी हो गया है तो मैडम जी डांटते नहीं है? डांटते नहीं है कि दूसरे ये सब काम छोड़ दो, दूसरे लड़की को गाल छूते हो, क्रीम लगाते हो? पहले तो बोलते थे लड़कियों का भी मेकअप करते हो, बोला अरे भाई मतलब कहना क्या चाहती हूँ। पैसा कमाना तो करना पड़ता काम। हाँ, फिर उसके बाद मैंने बहुत वीडियोस बना के दिखाया। अच्छा, कि देखो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा अगर कुछ नहीं है। हो गया सर मेकअप, हो गया डन, ले जाइए। अब देख रहे हैं मालिक, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली बहुत ही इंतजार के बाद मैडम जी आए हैं, इनका शूटिंग खत्म हो चुका है। तो कैसे हैं महिमा जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने गाना का शूटिंग हुआ? मेरा एक ही सॉन्ग था। 2 बज गया रात, इतना मेहनत करने पड़ता ना? नहीं, मेरा शेड्यूल भी तो शाम से ही था ना। अच्छा, इवनिंग से था। नहीं, फिर भी रात में 2 बजे तक 1 बजे तक पर डे आप लोग को जगने पड़ता है ना। अच्छा, लेकिन अब अच्छा भी लगता है। अच्छा, दर्शक बहुत प्यारा आशीर्वाद देते हैं। दिल्ली कब आए हैं? दिल्ली मुझे हो गया 4-5 दिन। अभी और 1-2 दिन? हाँ, अभी 5-6 दिन हमारे, कल परसों फिर शूटिंग है ना। आपका होली में पवन भैया के साथ एक गाना आया था, बहुत ही जबरदस्त, कैसा लगा था उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद नजर आए थे। हाँ, नहीं एक और सॉन्ग आएगा अभी लोग। अच्छा, एक और गाना आने वाला है,
अच्छा आपसे पूछना चाहते हैं कि पवन भैया आने वाले हैं, नेता बनने वाले हैं, सुनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है, बिल्कुल बनना चाहिए। नेता बन जाएगा तो फिर ये सब लाइन छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए ना, करना चाहिए, करना चाहिए ना साथ में। तो क्या वो पॉलिटिक्स भी साथ में होगा, अपना इंडस्ट्री में भी काम करें? अच्छा आप एक लेडीज हैं, आकांक्षा दुबे के साथ ऐसा कुछ घटना हुआ, उनके बारे में क्या कहिएगा? हाँ बहुत ही दुखद घटना थी, तो आपको भी पता है। मैं तो यही कहूंगी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ बस यही, और हम क्या कह सकते हैं इस मामले में, चले जाओ। दुख की बात है अपनी इंडस्ट्री के लिए, इतने अच्छे से। चलिए कोई बात ना, ज्यादा कुछ नहीं, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दोस्तों होटल, दोस्तों रात का बज चुका है भैया 3, ठीक है ना, और हम लोग आ चुके हैं भाई, ये रहा गाड़ी है ना भैया, हम लोग सोतेंगे अब, और ये रहा होटल, ठीक है, इसी में रूम लिया है भैया, रूम लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये रहा होटल का व्यू अंदर का, ठीक ना, काफी शानदार लाजवाब होटल है भैया, और एक रात का, एक दिन का चार्ज है इसका 6500 रुपया। 5 स्टार फर्स्ट क्लास होटल है, टीवी वगैरह सारा चीज लगा हुआ है, इधर प्लेट है, टाइम पर खाना वाना सब आता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। पैसा इधर भैया सोए हैं, सत्या भैया, और इधर देख सकते हैं फोन सब में काम हो रहा है भाई, सब में वीडियो चढ़ा के अपलोड में लगल है। और इधर चलिए आपको दिखाते हैं बाथरूम, ये कैसा बाथरूम रहता है देखिए, डब के शैम्पू, फेस वाश, क्रीम, का नहीं मिलता भाई, सब चीज मिलता है 5 स्टार होटल में, देख रहे हैं, ऐना उना सारा चीज लगा, तौली वगैरह सारा चीज है, इधर बल्टी रखा हुआ है नहाने धोने के लिए, और ये रहा झरना शावर, ठीक है। इधर है भैया बाथरूम, मजाक मत उड़ाइएगा, दिखा दे रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं रूम में, और हमारे साथ है आर्यन भैया भी। तो भैया आज जो गाना शूटिंग होगा कब तक आएगा? कहाँ जा रहे हैं? गाना कब तक आएगा? हाँ ये बताइए, आज गाना शूटिंग हुआ है आपका चैनल के लिए, वो कब तक आएगा लगभग अंदाज? बहुत जल्दी, बहुत जल्द, मतलब विदिन, इधर तक के बोलिए, एक हफ्ता, एक हफ्ते के, हाँ कोशिश करेंगे 3 से 4 दिन, क्योंकि आज से 3 से 4 दिन में, बट अगर 3 से 4 दिन में अगर गणेश बंधना छोड़ दिए तो फिर वो एक हफ्ता में चला जाएगा, नहीं तो फिर इसी से स्टार्ट हो जाएगा। पहला सॉन्ग सबसे पहले गणेश बंधना, उसमें शूटिंग। चैनल का नाम है भैया सूर्या प्रोडक्शन हाउस। तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, डिंपल सिंह के साथ देखना है भैया सेकंड गाना। सबसे पहले तो बंधना छूटेगा गणेश जी का, और भैया नजर आने वाला है डिंपल सिंह के साथ, और आर्यन भैया का तो बात ही अलग है भाई, ठीक ना, सबके साथ नजर आते हैं। आप मत दुखाइए, आपको भी दिखा रहे हैं, ये है हमारे प्यारे भैया, ठीक ना, इन्हीं के भरोसे, का कहें कुछ भी कहें, इन्हीं के भरोसे दिल्ली आए हैं भैया, थक गया, सोना चाहिए। तो आप लोग भी सो जाइए, ब्लॉग को बंद कर। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करिएगा, पेज पर फॉलो करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।